मैंने अपने पूरा जीवन सीता के साथ व्यतीत करने का वचन दिया है, मैं किसी और स्त्री के साथ नहीं रह सकता। अगर तुझे तो तू मेरे छोटे भाई। रामलीला नाटक के दौरान राम लक्ष्मण और शूर्पणखा के संवाद वाली ये वीडियो क्लिप जैसी ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसे देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ये वीडियो दिल्ली के एम्स परिसर का है, जहां एम्स के स्टूडेंट ने रामलीला का मंचन किया। आरोप है कि उसमें असली संवादों की जगह आज के जमाने के फूहड़ डायलॉग डिलीवर किए गए, जिसका लोग सोशल मीडिया पर जोरदार विरोध कर रहे हैं और ये वीडियो वायरल हो रहा है। छात्रों पर कथित तौर पर अभद्रता करने और रामायण के किरदारों का मजाक उड़ाने का आरोप है। सोशल मीडिया पर इनकी खिंचाई और गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद तो #arrestamesculprit और #antihinduunacademy जैसे हैशटैग ट्विटर पर दिन भर ट्रेंडिंग में बने रहे। सोशल मीडिया पर चल रही इन खबरों में बताया जा रहा है कि इस नाटक का मंचन शोएब आफताब नाम के छात्र की तरफ से किया गया था। आरोप है कि उसने जानबूझकर हिंदू धर्म की आस्था का मजाक उड़ाते हुए अपमान किया है। नैनी सुबह नाम से एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा, आप बेशर्म जीव हमेशा हमारे हिंदू धर्म और हिंदू देवताओं को निशाना बनाते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। वहीं टीम इमोर्टल नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, शोएब आफताब को इतने जूते मारे जाने चाहिए कि इस जिहादी की अकल ठिकाने आ जाए, ये हरकतें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। निखत नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, मैं भी एक डॉक्टर हूं, लेकिन मुझे इस बात पर शर्म आती है। जिन लोगों ने ये घिनौनी बकवास की है उन्हें दंडित किया जाना चाहिए और उनके कॉलेज से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। गौरव गोयल नाम के एक बीजेपी नेता ने इस संबंध में दुर्भावनापूर्ण और जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए अनअकैडमी ग्रुप के फाउंडर गौरव मुंजाल, को फाउंडर रोमन सैनी और अन्य के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। मामला बढ़ता देख आयोजन करने और इसमें हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स सख्ते में आ गए हैं और उन्होंने बयान जारी कर माफी मांगी है। एम स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है कि छात्रों की ओर से हम इस नाटक के संचालन के लिए क्षमा चाहते हैं, जिसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी कोई गतिविधि ना हो। बताया जा रहा है कि इस आयोजन को अनअकैडमी ग्रुप की तरफ से स्पॉन्सर किया गया था। अब आगे इस पर आयोजन को लेकर क्या एक्शन होता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ तक ब्यूरो।